नगर बांद्री में नवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिरों में माता के भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। करीब 40 वर्षों से प्रतिवर्ष थाना प्रांगण में माता रानी का नगर वासियों द्वारा भव्य दरबार सजाया जाता है। खास बात यह है कि नवरात्रि के पूरे दिवस माता का भव्य दरबार अलग अलग तरह से सजाया जाता है। थाना प्रांगण में हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है। मंगलवार को कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के पूर्व पुराने हनुमान मंदिर बांद्री से भव्य कलश यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी शामिल हुए। कथावाचक पंडित नवीन आचार्य भैया जी ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि बांद्री नगर में फिर कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान माखन सहदांगी ने कहा कि जनमंच पर कथा में यजमान बनना बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। कथा में भागवत शब्द की व्याख्या की गई, जिसमें बताया कि भासी भक्ति, ज्ञासी ज्ञान, वासी वैराग्य एवं तासी त्याग होता है। जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है वह आसानी से ईश्वर तक पहुंच सकता है। आज नहीं तो कल भक्ति कभी भी विफल नहीं होती। इस दौरान सीएमओ नगर परिषद बांद्री द्वारा नगर के सभी दुर्गा जी के पंडालों एवं मंदिरों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया। बांद्री से आनंद रजक की रिपोर्ट। मानो कलवश की हो गई तो रात भर में तो कौन सो समय आओ कि 12 साल से लगाते हैं, सीधा मान के चलो 60 वर्ष का अंतर हो गया सीधा एक रात में, ऐसा कैसे? तो शुभ जी महाराज ने कहा तो देखो भैया।